नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसके साथ हम आपको दिखाएंगे कि डॉन बॉस्को स्कूल बीबीपाकड़ में छात्र छात्राओं के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रतिस्पर्धा के साथ प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट सीरीज एवं कठिन प्रश्नों के प्रॉब्लम सॉल्विंग शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें छात्रों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि शिक्षकों का भी हर सप्ताह वर्कशॉप कराया जाता है। स्कूल के निदेशक अबू बकर आब्दी ने कहा कि हर छात्रों के साथ वन टू वन करते हुए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि छात्र दरभंगा में नहीं बल्कि बिहार में भी अपना नाम रोशन करें। इसलिए डॉन बॉस्को स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। माय नेम इज़ सलमा इम्तियाज़ अहमद एंड आई एम फ्रॉम क्लास 8। एज़ कम्पेयर टू पिछले सेशन, इस सेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे एक हम लोग असेंबली कंडक्ट कराते हैं, यहाँ बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत बेहतर हुई हैं पिछले साल के हिसाब से। मेरा नाम प्रियांशु कुमार झा है, मैं क्लास 9 का एक छात्र हूँ। जैसा कि हम आए हैं इस स्कूल में, बहुत अच्छे से फैसिलिटी है, तरह तरह के बेहतरीन टीचर है। हम लोगों के बहुत सारे स्कूल में डॉट क्लास नहीं चलती है, इस स्कूल में डॉट क्लास चलती है। एक घंटे सब सर मतलब एक्सपेरिमेंट जो रहता है साइंस के लो तो में, वो हम लोगों को लैब में बताया जाता है, एक से एक एक्सपेरिमेंट। कुछ मतलब कोई सा भी टॉपिक हम लोगों को दिक्कत होता है तो सर मतलब पर्सनली बतलाते हैं हम लोगों को। और इस स्कूल में जैसे प्रिंसिपल बहुत सर हैं, वो बहुत अच्छे सर हैं और उनका मतलब बच्चे से लगाव बहुत अच्छे तरह से होता है। और वो अच्छे से तरह से मतलब टीचरों को बताते हैं कि बच्चों को अच्छे से बताइए, मतलब बच्चों को जहाँ दिक्कत आ रही है उसको आप पूरा फुल फिल करिए। मतलब आरओ वाटर, बहुत सारे स्कूल में आरओ वाटर नहीं चलता है, यहाँ पर आरओ वाटर भी चलता है, इसलिए हमको ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है। डिसिप्लिन भी इस स्कूल का बहुत स्ट्रिक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ भास्कर झा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ डॉन बॉस्को स्कूल, आई एम स्टडिंग इन क्लास 8। फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे देर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस, लाइक हमारे मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया बच्चों के होमवर्क्स पे और कई चीज़ों पे। फिर उसके बाद हमारे लैब्स को इम्प्रूव किया गया, न्यू सामान लाए गए हमारे साइंस लैब में। और फिर उसके बाद मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की, लाइक हमारी रेगुलरली डायरी चेक्स हुई। और फिर उसके बाद बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई, लाइक हमारी डेली एक्टिविटीज़ भी कराई गई। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन आवर स्कूल। सुप्रिया झा, डॉन बॉस्को स्कूल। मैं हमारे स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली रहते हैं हमारे साथ और हम उनसे कभी भी कुछ भी शेयर कर देते हैं। छुट्टी के बाद हमारे स्कूल में एक घंटे तक टीचर्स को रोका जाता है ताकि बच्चे उनसे डाउट पूछ सकें अपना। और एग्ज़ाम के टाइम हमारा रिविजन सेशन चलता है, जिसमें सारे डाउट्स को क्लियर किया जाता है बच्चों के, उनसे पूछा जाता है और बार बार टेस्ट किए जाते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम के टाइम बहुत बेहतर रहे। और सिलेबस को भी पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है तो एग्ज़ाम के टाइम किसी पे कोई लोड नहीं पड़ता है, कोई बर्डन नहीं आता है और इसी वजह से बच्चों का परफॉर्मेंस भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रहता है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं मतलब टीचर्स से। लाइक हमारे स्कूल में वैसे भी टीचर्स जो हैं हमें बहुत अलग वे में पढ़ाते हैं, वो हमें अपने एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर उसके बाद हमें स्टोरीज़ के थ्रू, और वो हमें मतलब काफ़ी इंटरेक्टिव वे में पढ़ाते हैं, वो हमें कई सारी बातें बताते हैं। लेकिन अगर मैं कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टीचर्स से तो वो ये है कि टीचर्स जो हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो टीचर्स हमारे जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा और फ्रेंडली होंगे और ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे तो इट वुड बी अ लॉट बेटर। आई एम अलीना जुनैद फ्रॉम स्टैंडर्ड 9। हमारा स्कूल में पिछले सीजन से ही अच्छा पढ़ाई होता है और हमारे स्कूल में हमेशा से ही अच्छा पढ़ाई होता है और हमारे जो मैनेजमेंट हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वो हमेशा हमारे बेहतर पढ़ाई के लिए लगे रहते हैं और हमेशा हमसे फीडबैक्स लेते हैं कि हमारे पढ़ाई में क्या कमी हो रही है और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हमेशा हमसे ये पूछा जाता है कि अगर हमारे पढ़ाई में कुछ कमी हो रही है तो वो उन्हें बेहतर कर पाए। I am Fizafrim from standard 9th. Don Bosco School. Actually sir, मैं इसी सेक्शन में इस स्कूल में आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इस स्कूल में एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है और सबसे बड़ी बात कि इस स्कूल में टीचर्स बच्चे को समझते हैं।
और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चों का, उनको समझ के उनकी एजुकेशन पर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ बच्चे को पढ़ाई बस ये नहीं करते, वो लोग समझते हैं बच्चे को, उसके हिसाब से उनको एजुकेशन देते हैं। और यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, टीचर का भी बहुत अच्छा है। जैसा कि मैं अभी इस स्कूल में आई हूँ, तो मुझे और स्कूल से स्कूल का टीचर का बिहेवियर बहुत अच्छा। माय नेम इज़ सुफियान अब्दुल्ला और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। हाँ, डिसिप्लिन और क्या बोलते हैं मैनेजमेंट पे और बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि यहाँ ना अगर बच्चे का कुछ कंप्लीट नहीं है, कुछ बच्चे के पास है नहीं, तो उसकी हेल्प की जाती है टीचर्स के द्वारा। और हमारे अबू बकर सर भी उस बच्चे की काफ़ी हेल्प करते हैं कि वो बच्चा पढ़ने में कैसे, अगर उसको किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो वो खुद उस बच्चे को खुद समझाते हैं। मेरा नाम आयुष कुमार झा है और मैं क्लास 9th से हूँ और इस स्कूल में आए मुझे कुछ 5-6 मंथ हुए हैं। हाँ, ये डॉन बॉस्को स्कूल है। ये स्कूल बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे डिसिप्लिन को अच्छे से मेंटेन किया जाता है और हमारे फरहाद प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर के द्वारा यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और हमें अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। माय नेम इज़ लक्ष्मी कुमारी एंड आई एम इन स्टैंडर्ड 9th। हम यहाँ क्लास 7th से पढ़ रहे हैं और यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हैं। हम उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ के छुट्टी के 1 घंटे बाद तक रुकते हैं, जिससे कि हम उनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सारे बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, किसी भी टीचर से डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं, सब एकदम रिस्पेक्टफुल रहते हैं सबसे। जब से हम यहाँ पढ़ रहे हैं तब से मेरा बहुत अच्छा यहाँ कर रहा है और ऊपर से यहाँ पे टीचर सब लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो इसी के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि हमको ये स्कूल अच्छा लगा था जब पहले हम आए थे, तो उसके बाद कुछ दिनों तक हम यहाँ पढ़े और उसके बाद हमको ये स्कूल अच्छा लगा, इसीलिए हम उसके नेक्स्ट ईयर भी एडमिशन यहीं लिए। माय नेम इज़ उत्कर्ष शमन एंड आई एम रीडिंग इन ग्रेड 9 इन दिस ईयर। आई थिंक दिस इज़ माय अबाउट 5th and 8th स्कूल दैट आई हैव चेंज इन द प्रीवियस ईयर एंड दिस स्कूल्स एक्सपीरियंस इज फार बेटर इन माय एक्सपीरियंस इन प्रीवियस स्कूल्स। एंड I think that this school is based in discipline because we all know that discipline is the one of the most important part of the student life, and it totally focuses on the discipline part and as well as English speaking, and it also enhances the speaking power of the student, as I am speaking all these due to this in few months of this school. And I hope that I will become more able to speak in English after some time, and this is my whole experience. And teachers are also friendly and also much and more supportive for all us. इस सेशन में और साथ ही साथ हर सेशन में हमारे स्कूल का एक ही मिशन है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जाए। जो भी उनके लिए बेहतर से बेहतर एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर सकते हैं उस कार्य को हम लोग करते हैं, जिससे उनको बेहतर एजुकेशन मिले, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, हर एक चीज़ में वो अपने आप को बेहतर तरीके से साबित कर सकें, इस पे हम लोग काम करते हैं। और उम्मीद है कि आगे भी इस चीज़ को हम लोग लेके चलते रहेंगे और दरभंगा के बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ और ऑलराउंड डेवलपमेंट में हम लोग बेहतर बना के दरभंगा के बीच में पेश करेंगे। हमारे यहाँ सबसे पहले तो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, उससे ये अनुकूल मिलता है हमें कि बच्चे को किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है उस चैप्टर के रिगार्डिंग। उसके बाद दोबारा उस चैप्टर को क्लास में कराया जाता है, जिससे बच्चों के डाउट्स बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाते हैं। फिर उस चैप्टर का दोबारा टेस्ट लिया जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि हाँ, जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई है और बच्चे अपने आप को बेहतर तरीके से आगे ले आए। ऐसे हम लोग साल में 4 टेस्ट लेते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमने बच्चे के बारे में पता चलता है बच्चों को किन जगहों पे कमी आ रही है, उन जगहों को हम लोग फुलफ़िल करते हैं और उसका रिज़ल्ट हम लोग टर्म एग्ज़ामिनेशन में देखते हैं कि बच्चे बेहतर तरीके से अपने रिज़ल्ट को अचीव किए हैं और हर जगह पर अपने आप को अच्छे तरीके से ले कर पेश किए। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे तमाम टीचर्स बेहतर तरीके से बच्चों को क्लास में गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, उनके जो भी डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करते हैं
और साथ ही साथ जो बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, उनको ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, उनके लिए हम लोग पर डे एक घंटे का डाउट क्लास रखते हैं, जिससे वो अपने टीचर के साथ बात करें, पूछें, अपने डाउट्स को क्लियर करें और अपने एजुकेशन को फुलफ़िल करते हुए आगे की ओर बढ़ें। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं।